वेलकम टू दिव्यम वाणी। सेकेंड मई से 8 मई तक आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, चलिए देखते हैं। नाउ दिस रीडिंग इज़ फॉर स्कॉर्पियो साइंस। स्कॉर्पियोज के लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं टैरो से आपकी रीडिंग करूंगी और उसके बाद मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। चलिए फर्स्ट मैं रीडिंग टैरो से करती हूँ आप लोगों के लिए। कि बहुत आप एक क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके और आपके पार्टनर एक अबंडेंट एनर्जीज में है, प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी और एक नर्चरिंग एनर्जीज में है और आप दोनों एक बिंदास एनर्जी में है, एक इन्जॉयमेंट के एनर्जी में है, लेजर प्लेजर फन पार्टी और एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, एक बिल्कुल माइंडफुल होकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और आपके पार्टनर एक बहुत ही ग्राउंडेड नर्चरिंग एनर्जी में है, अपने आप पे फोकस्ड हैं, वो जो अपने लिए चाहते हैं, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और ओवरऑल एनर्जी देखी जाए, आउटकम देखा जाए तो आप लोग अपनी लव लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, बिंदास हैं, फुल ऑफ इंजॉयमेंट, लेजर प्लेजर सेलिब्रेशन पार्टी एंड लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं एक न्यू जर्नी में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है। चलिए ओके, प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़े स्ट्रेसफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं मेरे को, किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मे बी बहुत वर्क है या ओवर बर्डन है, बट डोंट वरी, आप किसी की हेल्प लीजिए, किसी की सपोर्ट मिल रही है आपको, किसी की सपोर्ट या किसी की हेल्प से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। एक कोई ब्यूटीफुल सोल आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपके वर्क प्लेस में आपको मिल रहा है जिसकी सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे और एक मैनिफेस्ट करने अपने गोल्स टारगेट्स जो भी हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जीज में ज़रूर नज़र आ रहे हैं मेरे को, बट फाइनली कोई किसी की सपोर्ट या कोई एक ब्यूटीफुल सोल आपकी हेल्प के लिए आ रहा है और उसके बाद आप अपने गोल्स और जो भी टारगेट्स हैं वो आप अपने अचीव कर पाएंगे। मोनोलॉजी से मैं फाइनल गाइडेंस देखती हूँ आपके लिए क्या आ रही है। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बिगर पिक्चर देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, एक लाइफ में बिग थिंग्स देखिए। आपकी लव लाइफ ही बहुत ब्यूटीफुल जा रही है और प्रोफेशनल लाइफ में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है उनको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।